सेशन थ्री में हम बात करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स को किस तरह से हम हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं और फ्रीज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड क्या होता है और अनहाइड क्या होता है। हाइड और अनहाइड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाइड करने का मतलब किसी भी डेटा को या कोई भी चीज़ को अगर आप छुपा रहे हैं किसी की नज़र से, या आप चाहते हैं कि वो कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ आप किसी दूसरे को ना दिखाना चाहें, तो उसको हम हाइड बोलते हैं। अनहाइड का मतलब हाइड का जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाइड का क्या मतलब है? हाइड का मतलब जो कोई डेटा यूज़र्स ने स्प्रेडशीट में रोज़ एंड कॉलम्स में इंसर्ट किया हुआ है, तो उस डेटा को मान लीजिए किसी मोमेंट में या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में यूजर चाहता है कि उस डेटा को वो ना देखे या उसको वो छुपाए, सो दैट उसको इजीली प्रिंट कर सके या डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर सके। तो इस केस में, ऐसे सिचुएशन में हम लोग हाइड ऑप्शन को यूज़ करते हैं। हाइड बेसिकली क्या करता है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम या रो एंड कॉलम्स को क्या कर देता है, छुपा देता है, ठीक है। तो अनहाइड करने का मतलब हाइड का जस्ट अपोजिट। अब हाइड एंड अनहाइड हमारा किस जगह यूज़ होता है, हमारा क्या यूज़ है इसका स्प्रेडशीट में? तो हाइड और अनहाइड हम लोग उस टाइम पे यूज़ करते हैं, ऐसे टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, स्प्रेडशीट होती है और स्प्रेडशीट में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा रोज़ एंड बहुत ज़्यादा कॉलम्स अगर हमारे पास क्या हैं हमारे पास, और उन रोज़ एंड कॉलम्स में यूज़र ने डेटा अगर इंसर्ट किया हुआ है, तो हम ऐसे केसेस में अगर हमें डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना है, तो हम या प्रॉपर अगर वो चाहे अगर उसको प्रिंट करना चाहता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रिंट नहीं करना चाहता, राइट? तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हाइड और अनहाइड ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीज के बारे में। फ्रीज क्या करना क्या होता है? फ्रीज करने का मतलब कोई चीज़ को जमा देना, फिक्स कर देना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्रीज का क्या मतलब होगा? फ्रीज करने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये है कि मान लीजिए यूज़र किसी एक बहुत बड़े डेटा में काम कर रहा है जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी कॉलम्स हैं, काफ़ी रोज उसमें हैं। तो मान लीजिए किसी टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजर्स डेटा को एनालाइज करना चाह रहा है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या किसी पर्टिकुलर सेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या बता रही है कि इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम लोग फ्रीज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो एंड कॉलम दोनों को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ताकि हम डेटा को समझ सकें ये डेटा है क्या या ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इजीली इसको प्रॉपरली समझने के लिए हम अपने स्प्रेडशीट में आते हैं। स्प्रेडशीट हमारे पास, ओके, तो ये है आपकी स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम रो एंड कॉलम्स को हाइड करते हैं और अनहाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको अनहाइड कर देता हूं, और किसी केसेस में मैंने शायद फ्रीज भी किया होगा। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी स्प्रेडशीट है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट स्टूडेंट्स की है, उन स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, एडमिशन ईयर, एडमिशन नंबर, क्लास कौन सी क्लास में है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन है इतनी सारी, ठीक है। तो अब हम इस डेटा में, या जो हमारे पास ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पर्टिकुलर किसी कॉलम रो को फ्रीज करते हैं और उसको हाइड करते हैं और अनहाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यूजर्स क्या चाहता है, इस शीट को प्रिंट करना चाहता है, ठीक है। तो प्रिंट करते समय आप देखेंगे कि हमारे पास ये बहुत बड़ी शीट है, इतनी बड़ी शीट को यूजर क्या करेगा, एक शीट में प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर शीट को क्या करेगा, डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करेगा। अगर आप पेज लेआउट में जाएंगे, आप यहाँ पर ये जो व्यू है, सॉरी पेज ब्रेक व्यू में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं, और टोटल इसमें कम अराउंड पेजेस होंगे, काफ़ी पेजेस हैं इसमें। ओके, 84 एंड 126, इसमें 126 पेजेस में ये पूरा डेटा आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यूज़र क्या चाहता है कि यूजर्स जब प्रिंट करेगा इस डेटा को, वो एडमिशन नंबर और एडमिशन ईयर,
नहीं चाहता प्रिंट करना। तो ऐसे केस में अगर आप अभी फ़िलहाल इसका प्रिंट लेंगे, तो आप प्रिंट में देख पा रहे हैं कि एडमिशन नंबर और आपका एडमिशन नंबर और एडमिशन ईयर दोनों आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यूजर्स चाहता नहीं चाहता इस डेटा को प्रिंट करना। तो हम ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सी और डी कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों दोनों कॉलम्स के जो ऊपर नेम लिखा हुआ है, जैसे सी कॉलम और डी कॉलम, इन दोनों दोनों के दो कॉलम्स को आप क्या करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करेंगे, एंड देन राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद उसको आप करेंगे हाइड। हाइड करने के बाद आप देख पा रहे हैं बी के बाद आपका डायरेक्टली क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यानी कि सी और डी जो कॉलम है वो आपके हाइड हो चुके हैं, ठीक है। ओके, अगेन इसको दोबारा से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। हाइड करने के बाद मैं इस टाइम अब मैं इसको प्रिंट लूंगा। तो प्रिंट लेने के बाद आप ध्यान से देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर के बाद आपका स्टूडेंट आ रहा है, फिर देन आपका सेक्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या क्या, हमारा अनहाइड हो चुका है, हमारा तीन कॉलम से यहाँ पर हमारे हाइड हो चुके हैं, जो कि क्या है, जो कि क्या है आपके एडमिशन ईयर, एडमिशन नंबर एंड क्लास, ये तीनों हमारे हाइड हो चुके थे, ठीक है। हाइड करना कैसे करेंगे, हाइड हमने तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, एंड देन हमने इसको हाइड कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अब बात करें अगर रो को किस तरह से हाइड करेंगे, तो रो को हाइड करने का भी सेम प्रोसीजर है। हमें इनके रो के नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट से हमें 13 से लेकर 19 जो रिकॉर्ड है हमारे पास, इस रिकॉर्ड को हमें प्रिंट नहीं करना, या हम इसको देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ये जो रेंज ऑफ हमारे रोज हैं, इनको हमने सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको हाइड कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि 11th जो रो है उसके बाद, सॉरी जो 12th रो है, 12th रो के बाद आपका डायरेक्टली जो रिकॉर्ड आ रहा है वो क्या है, आपका 20 20 जो रो है उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, या कॉलम्स या रोज को हम हाइड कर सकते हैं। अब अनहाइड करने का जो तरीका है वो किस तरह से अनहाइड करेंगे आप, अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स से आपको पता है कि बी के बाद हमारा एफ है, यानी कि यहाँ पे सी डी और ई, यानी कि तीन कॉलम हमारे यहाँ पर क्या है, हाइड है। तो आपने इसको अगर अनहाइड करना है, तो हमने क्या किया, इस पूरे को हमने सिलेक्ट किया। चाहे तो आप सारे कॉलम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चाहे तो आप उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके बीच में आपके कॉलम्स क्या है, हाइड है, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास है, क्या है, आप माउस के कर्सर को इन दोनों कॉलम्स के बीच में लेके जाएंगे, आपको एक बाई डायरेक्शनल एरो मिलेगा, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद जितने भी आपके हाइट कॉलम्स थे वो सारे आपके रिवील हो जाएंगे, दोबारा से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, लेट्स से मैंने सी डी ई को मैंने दोबारा से हाइट किया, हाइट करने के बाद इसको अनहाइट करने का तरीका क्या है, आप इन दोनों अगेन दोनों आप स्टार्टिंग और एंड जो आपका कॉलम्स हैं इनको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर देन राइट क्लिक एंड देन अनहाइट। तो अनहाइट करने से आपके क्या हो जाएंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो आपका कॉलम्स थे, वो आपके दोबारा से आपको दिखने लग जाएंगे। सेम यही प्रोसीजर आपका कॉलम्स में भी हो, रोज में भी होगा। आपने एक रेंज सेलेक्ट करी एंड देन डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो कॉलम था, जो रोज है, वो आपके दोबारा से आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हाइड और अनहाइड काम करता है। दूसरा प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया, राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, इसको अनहाइड करेंगे। तो अनहाइड करने के बाद आपका वो डेटा आपके सामने दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीज। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज का क्या काम होता है, फ्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रीज करने का मतलब कोई चीज़ को फिक्स कर देना। अब आप एक बार इस इंफॉर्मेशन को, हमें लेट से नीचे को विजिट करना है, या हमने नीचे को स्टडी करनी है इंफॉर्मेशन, तो हम कैसे स्टडी करेंगे इसको, लेट से मैं इसका 20। ओके, देखिए अब ध्यान से, अब मैं इस पूरे स्प्रेडशीट को नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ, यानी कि वर्टिकली मैं स्प्रेडशीट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, ये अब हमें समझने में थोड़ा सा क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। कैसे परेशानी हो रही है, जैसे मान लीजिए ये नो लिखा हुआ है, अब ये नो क्या क्या डिनोट कर रहा है, और ये नो किस इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा है। तो ऐसे केस में बड़ी स्प्रेडशीट्स में हमारे पास क्या होता है, डेटा को हमें अगर समझना होता है, एनालाइज करना होता है, या तो हमें ऐसे केसेस में डेटा इजीली हम लोग उसको रीड नहीं कर सकते हैं कि ये नो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या डेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए, या इस डेटा को प्रॉपरली रीड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज। फ्रीज क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी कॉलम को या किसी रो को, या रो और कॉलम दोनों को क्या कर सकता है, फ्रीज कर देगा, फिक्स कर देगा। तो फ्रीज करने का मतलब, अभी आप देख रहे हैं नीचे को, अगर मैं इन्फॉर्मेशन को अगर मैं नीचे को लेके आ रहा हूँ, तो आपको ये नहीं पता कि एग्जिस्टिंग क्या है। एग्जिस्टिंग मतलब, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो टी जो आपका कॉलम है, टी कॉलम में जो भी
जो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, यानी कि एडमिशन फ्लैग। अब हमें पता चल रहा है, जब हम डेटा को ऊपर लेके जा रहे हैं, हम वर्टिकली अगर अप लेके जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि एडमिशन फ्लैग है, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह से अगर हम अपने डेटा को स्टडी करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन निकलने के लिए या अपने टाइम को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको एक ऑप्शन देता है जिसका नाम है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन कहाँ है आपको याद होने, आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीज पेन आपको व्यू जो टैब है उसके विंडो लेवल के अंदर मिलेगा, ठीक है, व्यू टैब के विंडो लेवल में, ठीक है। तो फ्रीज कैसे काम करता है हम देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम ऑप्शन बात करते हैं, फ्रीज पेन में आपके कितने ऑप्शंस हैं। फ्रीज पेन में, पेन्स में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला है फ्रीज पेन्स, सेकेंड है फ्रीज टॉप रो, थर्ड है आपका फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फ्रीज टॉप रो और फर्स्ट कॉलम बता रहा है, अगर आप टॉप रो में क्लिक करेंगे तो आपकी जो टॉप रो है, पहली रो कौन सी है आपकी, यानी कि फर्स्ट नंबर रो है, वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। अगर हम देखिए, मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, मैं फ्रीज टॉप रो में क्लिक किया, अब मैं डेटा को अगर नीचे को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला जो रो है वो फ्रीज हो चुका है, यानी कि वो आपका वर्टिकल, आप अगर उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी या वो पर्टिकुलर आपका रो नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब हमें डेटा को इजीली स्टडी कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर नो क्या है, ये क्या है, केवीएस वर्ड है, राइट। यस क्या इन्फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है, कि ये आरटीई है, यानी कि जो बच्चा है ये आरटीई है। अब इस ऐसे अब आप देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर आप वर्टिकली स्टडी कर रहे हैं तो आप इजीली स्टडी कर पा रहे हैं, लेकिन ये आरटी अगर कोई बच्चा है तो कौन है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चल रही है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट नंबर रो या जो भी हमारे ये स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को भी हम क्या करें, फ्रीज कर दें। तो दोबारा से मैं फ्रीज पेन में जा रहा हूँ और इसको अनफ्रीज कर रहा हूँ। देखो, अनफ्रीज करने का मतलब जो आपने फ्रीज किया था वो हट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नीचे को अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यानी कि वर्टिकली स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट नंबर जो आपका रो था वो अनफ्रीज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फ्रीज फर्स्ट कॉलम क्या करेगा, जैसे ही आप क्या करेंगे अपने डेटा को, अपने इस वर्कशीट में अगर आप फर्स्ट कॉलम को अगर आप फ्रीज किया हुआ है, तो अगर आप इस डेटा को इधर को अगर आप हॉरिजेंटली अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, आपका पर्टिकुलर कॉलम आप चुका आपका आपका फ्रीज हो चुका है, राइट। मैं दोबारा से अनफ्रीज कर रहा हूँ। अनफ्रीज करने के बाद ओके, ये आपका डेटा है। मैं फ्रीज पेन में गया, देन मैंने क्या किया, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका, ए नंबर का जो कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में मैंने क्लिक किया, एंड देन मैं इसको अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि आपका सीरियल नंबर जो कॉलम है, यानी कि फर्स्ट कॉलम, वो आपका फ्रीज हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया आपका हॉरिजेंटली स्क्रॉल करना। अब अगर मैं वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो दोबारा हमें वही प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो पहला जो हमारा जो रो है वो हमारा फ्रीज नहीं हो रहा है, जिससे हमें डेटा को स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोबारा से हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा उसके बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, फ्रीज पेन्स। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं, जो दूसरा सेकंड ऑप्शन है जो है फ्रीज टॉप रो, फ्रीज टॉप रो क्या करेगा, पहली जो रो होगी यानी कि जो सबसे ऊपर की जो रो होगी उसको फ्रीज कर देगा। फ्रीज फर्स्ट कॉलम क्या करेगा, पहले कॉलम जो आपके वर्कशीट में जो पहला कॉलम है उसको क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा। अब नेक्स्ट है आपका फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या करता है, फ्रीज पेन एक साथ आपके कॉलम्स और रोज को एक साथ फ्रीज करता है। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये डेटा को स्टडी करना है, और स्टडी कैसे करना है, आपको पहला जो आपकी रो है इसको फ्रीज करना है, और आपको ये स्टूडेंट नेम को फ्रीज करना है, सो दैट आप पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप अगर किसी डेटा को स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाए कि ये नो इन्फॉर्मेशन किसकी है, ये नो क्या क्या वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और ये नो वैल्यू किस पर्टिकुलर स्टूडेंट की है, ये कौन स्टूडेंट है जिसके लिए डीएक्टिव लिखा हुआ है, और ये डीएक्टिव है क्या, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप डेटा को अगर आपने स्टडी करना हो, अपने स्प्रेडशीट को स्टडी करना हो, तो हमारा क्या होता है, फ्रीज पेन्स हमारा ऑप्शन यूज होता है। होगा जिस डेटा को आपको फ्रीज करना है, जैसे आपको पहला रो और ए और बी कॉलम दोनों को आपको फ्रीज करना है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ए और बी कॉलम को हमने फ्रीज करना है, और पहली रो को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। तो आप देखेंगे ए और बी कॉलम के बाद आपका कौन सा कॉलम आ रहा है, सी कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो सी कॉलम में हमें कौन सा, सी कॉलम में हमें क्या करना है, सी वन को फ्रीज नहीं करना है, हमें क्या करना है, सी टू से हमें आगे को डेटा को हमें क्या करना है, स्क्रॉल करना है, और हमें कौन सी पोजीशन फिक्स चाहिए, हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें फिक्स चाहिए,
और ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें फिक्स चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉलम रो के जो कॉम्बिनेशन है, इसके बाद जो पहला सेल पड़ रहा है जो कि जिसका नाम क्या है C2, यानी कि C2 सेल से हमें डेटा को या तो को वर्टिकली या आपको हॉरिजेंटली या वर्टिकली आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा, इससे पहले के सारे सेल्स या को हमने छोड़ दिया, हमने C2 में हमने किया, C2 जो आपका सेल नेम है, जो एक्टिव सेल है, हमने उसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने किया 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 हम लोगों ने फ्रीज पेन में गए, देन फ्रीज पेन में जाने के बाद फ्रीज पेन में हम लोगों ने क्लिक किया। तो फ्रीज पेन में जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देख पाएंगे अगर आप डेटा को हॉरिजॉन्टली अगर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका ये इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका जो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट यानी ये नेम यानी कि B जो कॉलम है वो फिक्स हो चुका है। आप डेटा को हॉरिजॉन्टली अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे ए एंड बी हमेशा के लिए फ्रीज हो चुके हैं। अगर आप डेटा को नीचे वर्टिकली अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला जो कॉलम है आपका वो फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेटा को स्टडी करने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने देखना है ये डीएक्टिव कौन है, तो डीएक्टिव हमें पता चल रहा है कि ये क्रियांश है और इसका ये क्या है डीएक्टिव, ये स्टूडेंट का स्टेटस है कि ये स्कूल में अभी डीएक्टिव है और इसकी क्या ये क्या है, कौन सा स्टूडेंट है, ये क्रियांश है। तो इस तरह से आपका फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम आपका काम करता है, ठीक है। तो आज हमने बात किया, सबसे पहले हमने बात की हाइट करना, आज हमने बात की हाइट करना, अनहाइट करना और फ्रीज करना किसी कॉलम रो को और अनफ्रीज करना। वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।